हेलो एवरीवन, कार्तिकेय वर्ल्ड में है आप सभी का बहुत स्वागत। सो आज मैं आपको बताऊंगी माय लिपस्टिक हैक कि किस तरह से हम लिपस्टिक का यूज़ करके अपनी स्किन में लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से मैंने लिपस्टिक को यूज़ करके अपनी आईज़ को बहुत ही कलरफुल, बहुत ही प्रिटी बनाया था। वैसे ही आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लिपस्टिक का यूज़ करके अपनी स्किन को बहुत ही तरोताज़ा और ग्लोइंग दिखा सकते हैं। अगर आप डेली यूज़ में मेकअप, डेली रूटीन में मेकअप करना आपको पसंद है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम डेली रूटीन में ब्लशर का यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली क्रीम, फाउंडेशन, कंसीलर, कुछ भी आपने लगा दिया, जो भी आप मेकअप में यूज़ करते हैं, बीबी क्रीम हो गया, सीसी क्रीम हो गया, तो जब हम उन्हें यूज़ करते हैं और उनके यूज़ के बाद अगर हम ब्लशर स्किन पे ना लगाए तो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल बेजान सी स्किन लगती है, या फिर ऐसा लगता है कि पूरी पाउडर की बॉटल हम फेस पे लगा कर आए हुए हैं। इसलिए ब्लशर को यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम ब्लशर को लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही जवां, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बिल्कुल फ्रेश फील होता है स्किन को देख के। सो ब्लशर अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए ये मेकअप हैक है स्पेशली। सो आपको क्या करना है, आपको लिपस्टिक लेनी है। अगर आपका फेयर कलर है तो आप पिंक कलर ले सकते हैं, पीच कलर ले सकते हैं, पिंक, दोनों तरह का पिंक ले सकते हैं, लाइट हो गया, डार्क हो गया, कोई भी पिंक आप ले सकते हैं। बट हाँ, अगर डार्क पिंक है, फॉर फेयर स्किन आप ले रहे हैं डार्क पिंक, तो वो जो लिपस्टिक है वो बामी लिपस्टिक होनी चाहिए, बाम वाली। इससे वो लाइट टेक्सचर ही देगी आपकी स्किन पे। अगर वो मैटी लिपस्टिक है तो वो काम नहीं आएगी। और अगर आपकी डार्क स्किन है तो आप आप डार्क पिंक ले सकते हैं, और पीच कलर भी डार्क स्किन पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्किन लगती है, बहुत ही फ्रेश स्किन लगती है अगर आप पीच कलर लगाएंगे। सो आप देख सकते हैं आज मैंने बेबी पाउडर ना लगा के कॉम्पैक्ट लगाया आफ्टर यूजिंग ब्लशर, बिकॉज जो बेबी पाउडर और लूज पाउडर है उनका जो सेटिंग टाइमिंग होती है वो बहुत ही कम समय तक सेट रहते हैं हमारी स्किन में। और अगर हम लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्लशर, सो हमें कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, बिकॉज कॉम्पैक्ट होल डे, आप 24 आवर भी अगर लिपस्टिक लगा के रखी आपने तो वो बिल्कुल नहीं फैलेगी, बहुत ही ग्लोइंग आपकी स्किन को रखेगी दिन भर। बट आपको कॉम्पैक्ट यूज़ करना पड़ेगा उसके ऊपर। सो आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रीटियर लग रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं कि पहले और अब वाली स्किन में काफ़ी फ़र्क है। पहले विदाउट ब्लशर मेरी स्किन में उतना ग्लो नहीं था जितना अब लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल एंड ग्लोइंग स्किन लग रही है मेरी। सो आप देख सकते हैं। अगर आप घर में जैसे मैं घर में सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ या फिर बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, वैसे ही अगर आप ही मेरी तरह थोड़ा सा हल्का सा टच आपको मेकअप का पसंद है, घर में भी नो मेकअप लुक आपको पसंद है अपनी स्किन पे देना डेली, तो आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो डेली आप अगर, जैसे मैंने अभी बिल्कुल रेड लिपस्टिक लगाई हुई है, तो इसे हम नो मेकअप लुक नहीं कह सकते हैं, ये नेचुरल मेकअप लुक में आता है। बट अगर आप नो मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो लिपस्टिक है, अगर आप अपने नेचुरली रेड लिप के लिए आपको क्या करना है, आपको रेड लिपस्टिक लेनी है और उसे मिटा देना है बाद में। 10 to 15 मिनट तक लिपस्टिक कोट में लगा के रखना है, देन उसे मिटा देना है। जब आप लिपस्टिक को रब कर देंगे तो आपकी ओठ नेचुरली ग्लोइंग एंड रेड रेड लगेंगे। अगर आपको पिंक लिप चाहिए तो आपको पिंक वाली बामी लिपस्टिक लगानी है, तो आपकी लिप बिल्कुल नेचुरली पिंक लगेंगे होल डे।
बट आपको मैटी लिपस्टिक नहीं लगानी है, ये हमारे ओठों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती बिकॉज इससे ओठ फट जाते हैं। रेगुलर यूज़ के लिए मैटी लिपस्टिक अच्छी नहीं होती है, बट आप अगर बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं तो मैटी लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है बिकॉज वो फैलती नहीं है। अदरवाइज़ जिस तरह से मैं बामी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, आपको भी मैं सलाह दूँगी बामी लिपस्टिक यूज़ करने की, बिकॉज आप देख सकते हैं मेरे ओठ नेचुरली लग रहे हैं और बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है मेरा। मैंने लिपस्टिक का यूज़ करके ही, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में जो मेरे आईज़ हैं इनमें आई शेडो की तरह लिपस्टिक यूज़ किया है, तो ये अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लाइट, सो इसे भी हम मिटाएंगे एंड हल्का सा रखेंगे बिकॉज जब हल्का सा आँखों पे गुलाबीपन होना बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है, बहुत ही प्रीटियर एंड ब्यूटीफुल बना देता है, ग्लोइंग बना देता है, हमारी स्किन को बहुत ही ग्लो करती है हमारी स्किन, एक तरोताज़ा सी स्किन लगती है, आप देख सकते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे ऐसे ही अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।